दोस्तों, मैं घर वालों से परेशान होकर बाहर निकल गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और मैं चलने लगा। ये बात तभी मेरी बीवी को भी पता चल गई और वो मेरे पीछे पीछे आते हुए आगे बढ़ने लगी। जिस मुसीबत से मैं पीछा छुड़ाना चाहता था वो मेरे पीछे ही आ रही थी। तभी मेरे बच्चे को भी पता चल गया और वो भी पीछे पीछे भाग के मेरे साथ आ गया। मेरे बच्चे को इतने दिन के बाद देखा तो मुझे बच्चे पे प्यार आ गया और हम तीनों निकल पड़े महिंद्रा जीप में किसी अनजान सफ़र में, जिसके बारे में हमको भी पता नहीं था। लेकिन आगे चलते चलते ऐसा लगा कि हम लोग रेगिस्तान में पहुंच गए। तो हमने एक ऊँट किराए पर ले लिया और हम तीनों ऊँट पर हिचकोले खाते खाते चलने लगे। बट ये समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ जाएँ, हम लोग क्या करें। इतना बड़ा रेगिस्तान और तीन अकेले आदमी क्या कर सकते थे। बहुत कुछ सोचने के बाद हमको लगा कि रुकने से तो कोई फ़ायदा नहीं है और ज़िंदगी का नाम है चलते जाना। तो हम लोगों ने चलना चालू रखा और हम लोग पहुंच गए एक म्यूज़ियम में, जहां पर इतने सारे गन, बंदूक, तलवार और इन सब को देखने के लिए इतने सारे आदमी। लगता है कि ये सब आदमी अभी युद्ध के लिए निकल जाएंगे, इतना असलहा देखते। तभी हमको ख्याल आया और हम लोगों ने यहाँ पर डिस्को डांस करना चालू कर दिया। और देखते ही देखते मेरे बेटे ने गन की उठा ली तोप और तोप में से कर दिया वार। उसके बाद हम लोग पहुंच गए एक हॉन्टेड विलेज में, जहां पर मेरे बीवी और बच्चे दोनों झूम झूम के डांस करने लगे। बट मैं तो देख रहा था कि इस डांस में ऐसी क्या बात है जिसका इतना असर हो रहा है। बट कुछ हुआ नहीं और डांस पे देखते देखते कुलधरा से आगे हम लोग पहुँच गए। ये एनिमल गाने का डांस इतना फेमस है कि इसको देख के बच्चे बच्चे भी चुमाल चुमा गाने पे डांस कर रहे हैं। और वहाँ पर एक आदमी आँख से ऐसे करतब दिखा रहा था कि देख के आपको भी डर लग जाता। और उसने मुंह में से आग निकाल निकाल के झूम झूम के ऐसा डांस किया कि जितने भी लोग थे वो सब प्रफुल्लित हो गए और नाच में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये देखिए, ये आदमी मुँह में डाल के बचा रहा है। चलिए बाय।